साथ बातचीत करेंगे कि आप कैलकुलेट कर सकते, आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए बात करते हैं। परसेंटेज पहले आप कैसे लिखेंगे है तो टू एग्जांपल दीजिए तो आप परसेंट होगा। अगर आप दिया और फिर इस पे परसेंट का सिंबल ऊपर से क्लिक करके तो 2000 हो जाएगा परसेंटेज, क्यों? क्योंकि वन इक्वल टू होता है, बाद में परसेंटेज यहां पे 0.20 करें और फिर इसके ऊपर परसेंटेज लिखने का तरीका हो गया। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, चलिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 450 नंबर, जी हाँ, ऊपर तो 450 नंबर आया, कितने नंबर आए? तो मैं जैसे मैथमेटिक्स में करते थे कि जो आया है उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो नंबर नहीं आएगा क्योंकि नंबर जो आपका हुआ वो आपका क्या हुआ, नंबर्स में। तो उस केस में हम जब डिवाइड करेंगे तो उसमें हम जो परसेंटेज का सिंबल है वो नहीं देंगे, डिवाइड बाय परसेंटेज सिंबल के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 ना करके यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे देंगे। सेम उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि जैसे आपका 35 अगर सिर्फ लिख दिया इस तरह से तब आप होगा कि 500 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका ये 35% है इस तरह से तो आपको यहां डिवाइड बाय। तो याद रखिएगा एक्सेल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो अगर परसेंट फॉर्म तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत, देन आपको डिवाइड बाय 100 हमारा परसेंटेज की। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे डाउनलोड करें जहां पे पूरी की सीक्वेंस सीरीज मिलेगा विद टेलीफोनिक सपोर्ट। जी हाँ, ये वीडियोस आपको मिलते हैं, उस किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, काउंसलिंग की जरूरत है, आप चाहना जानना चाहते हैं प्राइवेट जॉब, कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दिया हुआ है। थैंक यू।